जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर गणेशी लाल की, प्रोफेसर गणेशी लाल की। अभी तक और इसके साथ साथ हम चर्चा ये भी करेंगे कि कैसे उड़ीसा की जनता ने प्रोफेसर गणेशी लाल का बारंबार यशगान किया है इनके कार्यकाल के समय। दरअसल बात यह है कि प्रोफेसर गणेशी लाल पिछले 5 साल 5 महीने उड़ीसा में गवर्नर के तौर पर कार्य किए हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल था, लेकिन इसके साथ में इनको टेम्पररी एक्सटेंशन मिला और 5 महीने। अब कल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खबर आ गई है कि राष्ट्रपति मैडम ने, द्रौपदी मुर्मू ने साइन कर दिया है नए गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर। नए गवर्नर जो आएंगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास, वो आएंगे उड़ीसा में गवर्नर के रूप में, वो शपथ ग्रहण करेंगे। शायद आजकल में 1-2 दिन में आने वाले हैं वो, और ये 1-2 दिन में गवर्नर का कार्यकाल खत्म करके जाने वाले हैं। तो इनका कार्यकाल रहा 5 साल 5 महीना। 2018 मई में ये दरअसल आए थे और इन्होंने चार्ज लिया था उस समय सत्यपाल मलिक से। सत्यपाल मलिक जो बिहार के गवर्नर भी थे उस समय, वो टेम्पररी कुछ दिन यहाँ पर गवर्नर थे उड़ीसा के, और जब ये आ गए तो वो चले गए यहाँ से वापस बिहार। तो गणेशी लाल जी एक्चुअली भारत में जितने गवर्नर थे, मैं सोचता हूँ कि उनमें बहुत, मतलब इतने मिलनसार के गवर्नर बहुत कम ही रहे होंगे इनके टाइम में। मिलनसार भी थे, मिष्ट भाषी भी रहे हैं, एवं खास तौर पर इनके कार्यकाल में राजनीतिक बखेड़ा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कभी नहीं रहा। करीब 5.5 साल ये रहे गवर्नर के रूप में, कभी भी राजनीति की अशिष्टाचार की बातें ना तो इन्होंने की, ना ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। दोनों में अपने संविधानिक मान मर्यादा के हिसाब से दोनों में बहुत बढ़िया संबंध थे, और उड़ीसा की जनता तो इन गणेश लाल जी को मतलब इतने सम्मान की नजर से देखती आई है। मैं आपको 1-2 उदाहरण के साथ में बताऊंगा। जैसे अच्छा, इनमें खूबी और भी बहुत सारी है। ये बहुत अच्छे गायक कलाकार भी हैं, बहुत विद्वान है, और वहाँ जब यहाँ उड़ीसा आने के पहले हरियाणा में ये कॉलेज में अध्यापक का काम करते थे, अध्यापना करते थे, एवं वहाँ करीब 30-32 साल ये प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। तत्पश्चात वहाँ से रिटायर होके ये सक्रिय राजनीति में आए, एक बार ये विधायक भी बने एवं हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी बने। उसी के हिसाब से इनको प्रोफेसर गणेशी लाल बड़े सम्मान के हिसाब से यहाँ पर उड़ीसा के लोग संबोधित करते हैं, और इनकी और भी कई विशेषताएं हैं, मैं अब आपको बता रहा हूँ। जैसे गायन के क्षेत्र में ये बहुत बड़े भजन प्रेमी हैं, भजन गाते भी हैं समय समय पर, और इनके पुत्र हैं मनीष जी, वो भी अच्छे भजन कलाकार हैं। मैंने प्रोफेसर गणेशी लाल के मुख से भजन सुना है, और इनके सुपुत्र जो है मनीष जी, उनके मुंह से भी भजन सुना है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 1-2 बार सुनने का। तो मतलब इतने ये घुल मिल गए हैं उड़ीसा के लोगों से, बेमिसाल उदाहरण इन्होंने पेश किए हैं। मैं 1-2 उदाहरण अब आपके सामने दे रहा हूं। जैसे इनके राजभवन के जो कर्मचारी हैं, उनके भी घर, उनके गांव, कोई पूरी डिस्ट्रिक्ट में किसी का गांव है, किसी का बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में गांव है, किसी का कहां पर है, तो ये तो गवर्नर के तौर पर पूरे उड़ीसा में प्रायः सब जगह सरकारी कार्यक्रमों में जाते आते हैं, लेकिन ये इसी तरह से, इस हिसाब से प्रोग्राम बनाते थे, या इनको अच्छा लगता था भाई अपने जो कर्मचारी भी है, सरकारी कर्मचारी जो राजभवन में है उड़ीसा सरकार के द्वारा नियुक्त, उनके घर पर भी ये कई बार गए, बालेश्वर में भी गए हैं, पूरी जिले में भी गए, कोणार्क के पास की नहीं है कि इनके कर्मचारी का घर है वहां भी गए।
मतलब आज तक मेरी जानकारी में, मैं तो पिछले 50-51 साल से मतलब जनसेवा में भी हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी हूँ, पढ़ने लिखने के क्षेत्र में भी हूँ, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कोई गवर्नर किसी कर्मचारी के घर में जाता था हो, किस कभी भी नहीं सुना। लेकिन ये कर्मचारियों में भी बहुत लोकप्रिय है, उड़ीसा के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। जैसे मैंने बताया कि गणेश पूजा में कई क्लबों के पंडाल में जाके भजन गाते थे, गवर्नर के हिसाब से इनके बेटे भी गाते थे, ये भी गाते थे भुवनेश्वर में, पूजा पंडाल में बराबर जाना आना। दुर्गा पूजा में पिछले साल, उसके पिछले साल भी भुवनेश्वर के पूजा पंडाल में ये गए हैं, बाप बेटे दोनों। कटक में भी आए हैं पूजा पंडाल में। मतलब क्या है कि बराबर दुर्गा पूजा में जाना, गणेश पूजा में जाना, लोगों के तीज त्योहार में जाना, लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, उनके संपर्क में आना, उनके सुख दुख में भागीदार होना, ये जैसे इनकी आदत सी बन गई थी उड़ीसा में। इसी के चलते लोगों के जो साथ में जो इनका फ्री मिक्सिंग व्यवहार था, इसी के चलते उड़ीसा के लोग बहुत ही इनको याद करते रहेंगे कई कई साल तक। मतलब ऐसा गवर्नर तो आज तक उड़ीसा में कभी कोई आया ही नहीं होगा। मैंने भी, मुझे भी सौभाग्य मिला इनसे 3-4 बार मिलने का। एक बार तो मेरे अति घनिष्ठ मित्र हैं हनुमान दास अग्रवाल, उनके बड़े भाई हैं पवन कुमार अग्रवाल, वो इनके एक्चुअली शिष्य भी रहे हैं। इनके गांव जो हरियाणा में इनका गांव सिरसा, उसी गांव के ये पवन कुमार अग्रवाल, हनुमान दास अग्रवाल उसी गांव के रहने वाले हैं, एवं कटक में आजकल उनका व्यवसाय है, उनका घर यहाँ पर कटक में है। तो उनसे मेरी बहुत अच्छा याराना है हनुमान दास जी अग्रवाल के साथ, पारिवारिक मित्र हैं वो हमारे। उसी ये पिछले साल प्रोफेसर गणेशी लाल अपने शिष्य के घर यानी पवन कुमार जी अग्रवाल के घर गए थे, उसी समय मैं भी उनके घर गया था, एवं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके बगल में बैठकर डाइनिंग टेबल पर भोजन करने का। उस समय 10-15 मिनट मेरी इनसे बहुत मतलब नज़दीक से बात भी हुई, मैं तो इनके बात से भी बहुत प्रभावित हुआ। बहुत ज्ञानी गुणी आदमी है, एवं पिछले साल अग्रसेन जयंती पर, ये अग्रसेन महाराज की जो जयंती हुई थी या गीता ज्ञान मंदिर में बीजू पटनायक छक तुलसीपुर में, उसमें भी ये आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर, उसमें भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं सामने की सोफा पर बैठा था तो मैंने इनको प्रणाम किया, उन्होंने भी उत्तर दिया। इसके अलावा पिछले साल मंगराजपुर गौशाला, जो यहाँ से कटक से करीब 20-22 किलोमीटर दूर पर है, बहुत अच्छी गौशाला है, उसमें भी ये चीफ गेस्ट थे गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के अवसर पर। वहां भी मैंने इनका मैंने भाषण सुना, क्या जबरदस्त भाषण था, एक बहुत ही मर्मस्पर्शी सार गर्भित भाषण था, और गोमाता के प्रति इतना समर्पण भाव इनके शब्दों से बारंबार झलकता था। वो भी बहुत प्रभावशाली भाषण था, मुझे भी बहुत प्रभावित किया, एवं मैंने भी उनके भाषण की बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग हमारे जो क्रांति उड़ीसा मीडिया न्यूज चैनल है, डिजिटल न्यूज चैनल है, उसमें भी मैंने बहुत बढ़िया से रिपोर्टिंग भी दी थी मेरे हिसाब से। इसके अलावा इनके वहां पर एक दरबार हॉल जो है, वहां एक नया भी हॉल इनके समय में हुआ है राजभवन में, उड़ीसा के राजभवन में भुवनेश्वर में, वहां भी इन्होंने इनके आशीर्वाद से 2 प्रोग्राम भी हुए हैं। एक श्याम बाबा का भजन समारोह भी हुआ था आज से करीब 6 महीना पहले। इसके अलावा एक काव्य संगम गोष्ठी भी, वहां कवियों की गोष्ठी का भी आयोजन हुआ था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था दोनों में ही सम्मिलित होने का, और मैं जाके बहुत ही आनंदित हुआ दोनों प्रोग्राम में। उस समय भी इनसे मेरी भेंट हुई थी, और चर्चा विशेष नहीं हुई क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ था, लेकिन भेंट हुई थी। बहुत सादगी भरा जीवन, बहुत सादगी भरा आचरण, और बहुत ही मिलनसार आचरण। कहीं भी नहीं लगता था कि भाई ये एक राज्य के प्रथम नागरिक है, बहुत बड़े ज्ञानी गुणी आदमी है, बहुत बड़े शिक्षाविद है, और बहुत अच्छे सुसंस्कृत परिवार से आते हैं, कहीं भी लगा ही नहीं, एकदम साधारण जीवन जैसा इनका रहा। और मतलब मैं क्या बताऊं कि यहाँ तक एक बार बालेश्वर जिले में गए थे ये आज से करीब 2 साल पहले, ऐसे किसी सरकारी कार्यक्रम में, वहां कुछ आदिवासी महिलाओं का सरकार के हिसाब से सम्मानित किया जा रहा था, सरकारी प्रोग्राम था और सम्मान करना था आदिवासी महिलाओं का। तो जितनी आदिवासी महिलाएं थी उनको सबको ये दुपट्टा उड़ाए, एक बुजुर्ग महिला थी उनके लिए दुपट्टा शायद प्रोग्राम में शॉर्ट हो गया था,
तो इन्होंने अपना जो पहन के रखे थे दुपट्टा उनको माता जी को भी पहना दिए। केवल पहनाए नहीं, उनका पांव छूकर इन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और इस एक आचरण के चलते इनके जो इतना बड़ा आचरण ये किए हैं, पूरे उड़ीसा में ये प्रशंसा के पात्र हुए, सारे उड़ीसा में इनकी प्रसिद्धि छा गई है इस एक बड़े आचरण के लिए। दिखने में तो बहुत छोटा काम है, लेकिन बहुत उच्च कोटि का काम इन्होंने किया। इसके अलावा उड़ीसा के जितने भी साहित्यकार लोग हैं, कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार यहाँ पर उड़ीसा के अंदर भरे हुए हैं। मैंने तो आज भी मेरे परिवार में मैं बात कर रहा था, सारे भारत में जितने हिंदी भाषी लोग, जितने साहित्यकार, पत्र साहित्यकार, लेखक, कवि वगैरह हैं, उनसे किसी गुण में कम नहीं है उड़ीसा के लोग, यहाँ तक उनसे ज्यादा ही हो सकते हैं। बहुत उच्च कोटि के साहित्य रचना उड़ीसा के उड़िया लेखक लोग करते हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। अनेकों अनेकों दिन हर सप्ताह में कम से कम भी 2 या 3 पुस्तकों का विमोचन उड़ीसा के राजभवन में प्रोफेसर गणेशी लाल के माध्यम से इनके हाथों से होता था। जितने पुस्तकों का विमोचन ये किए हैं अपने 5.5 साल के लगभग कार्यकाल में, मैं सोचता हूं आजादी के बाद जितने भी गवर्नर आए हैं उड़ीसा में, कभी सबका मिलाकर भी जितना नहीं होगा पुस्तकों का विमोचन, उससे कहीं ज्यादा इनके कार्यकाल में हुआ है। मतलब लेखक, साहित्यकार, कवि सब के लिए इनका गवर्नर साहब का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। सबको बहुत इजी एक्सेस था इनके पास जाने के लिए, और सबके बुलाव के ऊपर ये जाने की कोशिश भी करते थे। और पूरे उड़ीसा के बारंबार ये दौरा भी किए हैं, विजिट किए हैं। अब मैं एक और बताता हूँ, इनके बहुत सद्गुण की बात बता रहा हूं। मतलब हर स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उस राज्य में जितनी सरकारी विश्वविद्यालय होती है, प्राइवेट नहीं, सरकारी विश्वविद्यालय जितनी होती है, उनके चांसलर का पोस्ट रहता है गवर्नर के पास। मतलब गवर्नर जो है, गवर्नर तो स्टेट के रहते हैं, इसके साथ में यूनिवर्सिटी के, सरकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं। संजोग से आज से करीब 3 साल पहले इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था, और उसी दिन चांसलर अपॉइंटमेंट करने के लिए आगे से प्रोग्राम फाइनल कर दिए थे आगे से। और उस अपॉइंटमेंट में इंटरव्यू के लिए सारे भारतवर्ष के प्रोफेसर आए, उड़ीसा के प्रोफेसर आए, एवं घर में राजभवन में इनकी धर्मपत्नी का अचानक स्वर्गवास हो गया। अब ये चाहते तो वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर सकते थे, स्थगित कर सकते थे, भाई इनके धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, ड्यूटी निभाई है। वो जो काम होता पारिवारिक काम वो भी किया है, एवं जिस दिन वो मतलब उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, शायद दिन में हुआ था, उसी शाम को ये इनका था अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू प्रोफेसर लोगों को अपॉइंटमेंट करने के लिए इन्होंने इंटरव्यू बाकायदा कराया। क्योंकि लोग सब सोचते थे कि भाई इनके धर्मपत्नी का शरीर शांत हो गया, निधन हो गया, तो आज तो सुनिश्चित है प्रोग्राम कैंसिल होने का, लेकिन इन्होंने कैंसिल नहीं किया। बोला नहीं, जो प्रोग्राम तय है सरकार के हिसाब से वो प्रोग्राम मुझे करना है। एवं इन्होंने गवर्नर जो आए थे प्रोफेसर माने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोग जो आए थे इंटरव्यू देने के लिए, बारी बारी से सबको बुलाया, सबका इंटरव्यू दिया, एवं उसी दिन वाइस चांसलर लोगों के नाम की भी घोषणा की। चाहते तो नाम की घोषणा 10-15-20 दिन महीना भर बाद भी कर सकते थे, नहीं, ड्यूटी में इतने पक्के थे, इंटरव्यू भी उसी दिन दिए एवं नाम की घोषणा भी उसी दिन किए। इस बात से तो पूरे उड़ीसा के लोग इनके कायल हो गए हैं, प्रशंसा के इनको इतना प्रशंसा करते हैं, उनके उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब परम गो भक्त, परम श्याम भक्त, उड़ीसा के सच्चे हितेशी। अब मैं बता रहा हूं, वंदे उत्कल जननी, उड़ीसा के अंदर में जो ये कोरोना काल आया था 2 साल पहले, पूरे उड़ीसा में वंदे उत्कल जननी जो उड़ीसा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक गायन है, गीत है, उसका गायन भी उस दिन पूरे उड़ीसा में, जैसे सारे गली मोहल्ले सड़कों पर सरकारी कार्यक्रमों के हिसाब से सभी जगह होता था वंदे उत्कल जननी। इन्होंने भी राजभवन में बहुत बढ़िया तरीके से, सुसज्जित तरीके से वंदे उत्कल जननी का कार्यक्रम आयोजन किया। इन्होंने स्वयं गाया, उस समय इनकी पत्नी भी थी, उन्होंने भी गाया, एवं इनके परिवार के सदस्यों ने भी गाया। ये बात 3-3.5 साल के पहले की है मेरे ख्याल से। कहने का तात्पर्य यह है
कि उड़ीसा के लोगों की मतलब पूरी जितने उड़ीसा के लोगों के बारे में सारी जानकारी हासिल करना, उड़िया भाषा भी सीख गए थे, उड़िया भाषा के पेपर को पढ़ना, कुछ कुछ उड़िया में बातें भी करना और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिक्स होना। अच्छा, और एक बात इनकी खूबी है कि ये सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजू जनता दल हो, सारी पार्टियों के नेताओं का इनके पास आना जाना बराबर लगता था, बराबर रहता है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई ये किसी पार्टी के साथ में पक्ष करते हैं या किसी पार्टी के विपक्ष में काम करते हैं, जैसा कि अनेकों अनेकों स्टेट में हम लोग देखते आए, सुनते आए, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन इनके पास कोई पक्षपात नहीं, पार्टी के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं लोगों के अंदर, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, सबके साथ में मिलना जुलना बात करना, सबके साथ में सौहार्दपूर्ण संपर्क रखना। ये जितना मतलब कार्य किए हैं अपने 5.5 साल के टेन्योर में, इससे मुल्क मेरे को लगता है आगामी कई कई साल तक लोग इनको याद रखेंगे एवं इनका कार्यकाल उड़ीसा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।